भारत की एक ऐसा गांव जहां पे महिलाएं और लड़कियों को आप किराए पर ले सकते हैं। ये सुन के वाकई आप परेशान हो गए होंगे कि भला ऐसा भी हो सकता है क्या कि जहां पे महिला और लड़कियों को किराए यानी रेंट पर लिया जाता है। आपने अक्सर गाड़ी रेंट पर, बंगला रेंट पर और भी विभिन्न प्रकार की सामग्री को रेंट पर लेते सुना होगा, लेकिन आज के जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जिस वीडियो में आप जानेंगे कि देश का एक ऐसा भी गांव है, एक ऐसा भी जगह है जहां पे महिलाओं और लड़कियों को रेंट पर लिया जाता है। चलिए इस खबर को विस्तार से बताते हैं। उससे पहले मेरा परिचय है, तो मेरा नाम अंसारी अमजद है और आप ये वीडियो अंसारी अमजद के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। जी हाँ, ये पूरा मामला मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है जिस जिले का नाम शिवपुरी है। शिवपुरी जिले में एक ऐसा गाँव भी है जहाँ पे महिला और लड़कियों की मंडी लगती है। अब आप कहेंगे भाई कि महिला और लड़कियों की मंडी, तो जी हाँ, आपने अक्सर सब्जी मंडी और भी बहुत सारे मंडियों को देखा होगा और उसके बारे में सुना होगा, लेकिन यह पहला देश का, यह पहला जगह शिवपुरी जिला जो मध्य प्रदेश में आता है, यहाँ पे महिलाओं और लड़कियों की मंडी लगती है और सभी लड़कियां सभी महिलाएं सज धज के तैयार होती है। लोग आते हैं, सौदा करते हैं, महिलाओं और लड़कियों का सौदा करके उनको रेंट पर लेके अपने घर चले जाते हैं। जितना अधिक रुपए आप लगाएंगे, जितना अधिक रुपए खर्च करेंगे, उतना ही सुंदर, उतना ही सुशील, उतना ही योग्य पत्नियां, उतना ही योग्य लड़कियां आपको मिलेगी। अब बता दें कि यह जो है मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी जिला का एक गांव है, यहाँ की एक प्रथा है, सदियों से चल रही प्रथा है जहाँ पे महिलाओं की मंडी लगती है, महिलाओं को रेंट पे लिया जाता है और दिया जाता है। बकायदा जब महिला को या फिर किसी लड़की को रेंट पर लिया जाता है तो उनका स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट बनता है। 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के स्टाम्प पेपर पे बकायदा पूरा एग्रीमेंट बनता है। उसमें तय होता है कि इतना दिनों के लिए इतना रुपए हम देंगे आपकी पत्नी का या फिर आपकी लड़की का। और बात करें महिला या फिर लड़की को रेंट पर लेने के लिए कितने रुपए लगते हैं, तो 15,000 से लेकर 4 लाख रुपए तक रेंट का प्रावधान होता है, जिसमें 6 महीने या फिर 1 साल के लिए आप महिलाओं को, पत्नियों को रेंट पर ले सकते हैं। इस परंपरा को सरकार भी खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि शिवपुरी जिला का जो गाँव है, यहाँ के लोगों का मानना है कि ये मेरा दशकों से चल रही परंपरा है, मेरे पूर्वज ऐसा करते आए हैं तो हम लोग भी ऐसा करेंगे। अगर आप किसी महिला को रेंट पर लेके आते हैं, अगर वो महिला आपसे खुश नहीं है, आप उसे संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर यहाँ पे महिला एग्रीमेंट को तोड़ के जा सकती है। शर्त यह है कि महिला को जितना रुपया दिया गया था किराया स्वरूप, रेंट स्वरूप, उस महिला को पूरा का पूरा रुपया जो है लौटाने होते हैं। उसके बाद एग्रीमेंट को तोड़ा जाता है और महिलाएं फिर से आज़ाद हो जाती है और फिर से उसकी बोली लगती है, फिर से मंडी लगती है, फिर से उस पत्नी को लोग रेंट पे देते हैं और उसके बाद फिर से किसी और के साथ जाके अपने समय को व्यतीत करती है। बाकी ये पूरी खबर और ये पूरी प्रथा मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला के गांव की है जहां पे महिला और लड़कियों को रेंट यानी किराए पर दिया जाता है। कि आपको इससे पहले पता थी कि ऐसी भी एक रूल है, ऐसा भी एक प्रथा है जहां पे पत्नियों को किराए पर दिया जाता है? अगर पता था तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, अगर पता नहीं है तो वीडियो को शेयर करके अपने साथियों को बता दीजिए कि हमारे देश में एक ऐसा भी राज्य है, जिस राज्य का एक ऐसा भी जिला है और जिला का एक ऐसा भी गाँव है जहाँ पे महिलाओं और पत्नी और लड़कियों को किराए पर दिए जाते हैं। बाकी आप सभी का मेरे साथ यहाँ तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।